Hey guys, how are you all? I hope you all are good. Today in this video, we are going to discuss some important information from NET exam, GATE exam, JEST exam, TFIR and all other PhD entrance exam. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि NET exam में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं और हमसे पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट में से हमसे पूछा जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी. फर्स्टली हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड कितने कितने मार्क्स का आता है. फर्स्टली है मैथमेटिकल फिजिक्स, सेकेंड है क्वांटम मैकेनिक्स, थर्ड इज अ क्लासिकल मैकेनिक्स, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दैट इज EMT, फिफ्थ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स, सिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवन्थ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एट्थ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नाइन्थ न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, टेंथ इज जनरल एप्टीट्यूड. अब हम देखते हैं कि कितने मार्क्स का कौन से सब्जेक्ट में से पूछा जाता है. फर्स्टली मैथमेटिकल फिजिक्स में से 40 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है हर साल. क्वांटम मैकेनिक्स में 30 प्लस, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी 30 प्लस आता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी 30 प्लस ही हमसे पूछा जाता है. नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन दोनों को ऐड करके हमसे 40-45 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है. जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में से क्या होगा 20-25 मार्क्स का थर्मोडायनेमिक्स में से पूछा जाएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्या 20-25 मार्क्स का. देन अगर हम इनको टोटल करते हैं तो 40-45 मार्क्स का इन दोनों सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस हमें आते हैं इतने मार्क्स के. एंड नेक्स्ट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसके थ्री क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है तो टोटल हो गए 15 मार्क्स. ऐसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के भी 3 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है 5 मार्क्स का, देन वो भी टोटल कितना हो गया 15. एंड न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री फिजिक्स के भी 3 क्वेश्चन आते हैं एंड हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, टोटल हो गए 15. अगर हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो 45 मार्क्स का इन तीनों सब्जेक्ट्स में से आता है पेपर. एंड जनरल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन आते हैं और हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, हमें 15 अटेम्प्ट करने होते हैं और हम 10 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें. जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं, जो भी CSIR नेट एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर सिर्फ आपको वही करने हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको, तो उससे आप 10 क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो. एंड नेक्स्ट मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसकी मैथमेटिकल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, जिसको मैथमेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो उसे मैथमेटिकल फिजिक्स जरूर करनी चाहिए और उसके बाद वो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट को छोड़ सकता है पेपर में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट करना कोई जरूरी नहीं है, हर एक सब्जेक्ट हमें कोई कंपल्सरी नहीं है करना. तो उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से वो एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, बट अगर किसी को मैथमेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है वो छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्वांटम, क्लासिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंपलसरी हो जाएगा करना, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये हमें स्कोर देते हैं तीनों सब्जेक्ट. एंड नेक्स्ट है एटॉमिक, सॉलिड एंड न्यूक्लियर, इनमें से क्या होगा कि ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसकी, 2.5 नेगेटिव मार्किंग होती है. 2.5 नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसका कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना. अगर हम इसको गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं इसमें तो 2.5 नेगेटिव चले जाता है. तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे मत करो, ठीक है. नेक्स्ट टाइम अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं हमें करने हैं. मैथमेटिकल फिजिक्स है तो हमें सारी मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं करनी, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं जो पूछे जाते हैं सिर्फ हमें वही करने हैं और नहीं करना, ठीक है, मेनली हमें वही करना है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो.